तुला राशि वालों, 21 जनवरी रविवार का दिन, आज रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि चंद्रमा आज सूर्य के साथ नवम पंचम योग बना रहा है। चंद्रमा आपके कर्म का स्वामी है, जबकि सूर्य आपके लाभ स्थान का स्वामी। सूर्य इस समय आपकी कुंडली के सुख भाव में बैठकर कर्म स्थान को देख रहा है और कर्म के स्वामी चंद्रमा के साथ नवम पंचम योग बना रहा है, जिसके प्रभाव से तुला राशि के जीवन में बड़ी तरक्की, उन्नति और खुशखबरी की प्राप्ति होगी। आज आपकी कुंडली का पराक्रम भाव मंगल, बुध और शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है और त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर है। वहीं बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। नौकरी, बिजनेस, जीवन के अनेक क्षेत्रों में शानदार सफलता, कामयाबी और धन की प्राप्ति होगी। शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। समय बड़ा बेहतर है, ऐसे समय में मेहनत का फल भी मिलता है, जीवन के संकट भी दूर होते हैं, शत्रु को परास्त करने की क्षमता भी बढ़ती है और सोचा हुआ काम भी पूरा हो जाता है। ऐसे समय में जीवन में बड़ा सुख मिलता है, भाग्य आपके बदलने लगते हैं और जीवन में बदलाव शुभ होता है और जबरदस्त लाभ लेकर आता है। चंद्रमा के प्रभाव से तुला राशि के जीवन में बड़े बदलाव का अवसर भी आज प्राप्त होगा। दिन आपके लिए उत्साह, उमंग को बढ़ाने वाला, सफलता, कामयाबी लेकर आने वाला भाग्यशाली दिन है। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा ध्यान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 21 जनवरी पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शुक्ल योग, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सुख सौभाग्य के लिए, शुभ संयोग में आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, भाग्य का साथ है और धन सम्मान की प्राप्ति होगी। आज रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा बड़ा प्रभावशाली है, चंद्रमा की दशा में आप सुख प्राप्त करेंगे, परिवार मित्र से आपको सहयोग प्राप्त होगा। दिन आपके लिए खुशी बढ़ाने वाला, तरक्की, उन्नति और जीवन की स्थिति में बदलाव लेकर आएगा। रिश्ते आपके अच्छे होंगे, रिश्तों में प्यार होगा, जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति प्रबल होगी। चंद्रमा आपके मन को प्रभावित कर रहा है, लक्ष्य की प्राप्ति करना, चुनौतियों का सामना करना, जीवन में सफलता, सुख और अवसर का लाभ उठाना बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हर दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए तरक्की, उन्नति, सुख समृद्धि प्राप्त करने वाला दिन है, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से आज जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चंद्रमा जिसके प्रभाव से खुशी आपके जीवन में प्राप्त होगा, चंद्रमा जिसके प्रभाव से जीवन में एक नए मुकाम को आप पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ नवम पंचम योग बना रहा है। दिन आपके लिए बड़ा खुशी और सुख देने वाला साबित होगा, क्योंकि चंद्रमा आज बृहस्पति के धन भाव में गोचर करेगा। दिन आपका अच्छा गुजरेगा, धन भी कमाएंगे, सुख भी पाएंगे, जीवन में तरक्की का अवसर भी मिलेगा और भाग्य आपको बहुत कुछ देगा, समस्याओं का समाधान होगा और बहुत सारी उलझने आपकी समाप्त होगी। शनि के कारण आज महत्वाकांक्षा आपकी जागेगी, इच्छा कुछ पाने की होगी। अगर आप कर्म के रास्ते पर चलेंगे
तो सफलता के शिखर पर आप पहुंचेंगे। केतु के कारण आपके अंदर क्रोध की भावना होगी, आप किसी बात पर जल्दी क्रोधित हो जाएंगे, छोटे छोटे बात पर आपका क्रोध बढ़ेगा। शुक्र के कारण आप विपरीत परिस्थिति में भी सुख पाएंगे, विशेष आकर्षण आपके अंदर होगा। आज महत्वपूर्ण काम भी आपके पूरे होंगे और शुक्र के प्रभाव से जीवन साथी का साथ भी भरपूर मिलेगा और शुक्र के कारण ही आपके जीवन में सुख संपत्ति बढ़ेगी, क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के साथ शुक्र का प्रभाव अनुकूल रहने वाला है। मंगल के कारण अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, आपकी तरक्की जल्दी होगी, क्योंकि इस समय चंद्रमा सुख और उत्तम फल दे रहा है। सूर्य के कारण जीवन में हर कठिनाई को दूर कर रहा है, कर्म का मार्ग न छोड़े, आपके लिए तरक्की लाभ सुख सौभाग्य का अवसर प्राप्त होने वाला है। जीवन में बड़े बदलाव आते हैं जब चंद्रमा प्रभावित करता है, चंद्रमा जो आपके मन का स्वामी है। आज आपकी कुंडली में जो शुक्र मंगल बुध की जो युक्ति है आपके जीवन में बड़ा सुख देगा। नौकरी के मामले में दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। अब देखिएगा आपके आने वाले समय में बड़े बड़े काम करके बड़े नाम आप हासिल करेंगे, नई अनुभव आपके सपनों को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयों को छूने का आप प्रयास करेंगे और आपके लक्ष्य की प्राप्ति भी आपको होगी। मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि धन का लाभ भी होगा, समस्या का समाधान भी होगा और जो व्यापारी हैं आज अपने सभी काम को पूरा करने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि आपके प्रयास आपको सफलता भी देंगे और व्यापार में परिवर्तन का योग भी बनेगा। समय बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि राहु शनि के धन भाव में बैठा है तो अचानक धन की स्थिति बन रही है। आज का दिन आपके भविष्य को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, उसमें और भी ज्यादा सफलता का सुख देने के लिए आपको प्रेरित करेगा। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है, जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, शत्रु का नाश होगा, लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, आप खुश रहेंगे, जीवन में सफलता पाएंगे। ये जो समय है आपके लिए बड़ा तरक्की और सुख लेकर आया है, क्योंकि चंद्रमा का जब प्रभाव होता है तो जीवन में बड़ी सफलता भी मिल जाती है, आपके लिए अच्छे अवसर भी प्राप्त हो जाते हैं, उम्मीद से ज़्यादा लाभ भी आप कमाते हैं, जीवन भी बड़ा खुशहाल होता है और नई नई खुशियाँ आपके जीवन में बढ़ती है और घर का माहौल बड़ा खुशनुमा होता है। यानी आज का दिन आपके लिए कई तरह से लाभ के अवसर लेकर आया है। बड़े भाग्यशाली आप हैं, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं, क्योंकि आज जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप सफलता कामयाबी पाएंगे। आपके मन में जो डर था वो डर आप दूर होगा, क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में शुक्र के साथ मिलकर आपके मन के भटकाव को खत्म करेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा और आज ये कर्मों का फल भी आप प्राप्त करेंगे। व्यवहार मिलनसार होगा, उत्साह आपके जीवन में होगा, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, आपके पास धन भी आएगा और जीवन में सुख का विस्तार भी होगा, क्योंकि आज आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है भाग्यशाली योग है, जो आपको बहुत ही सौभाग्यशाली बना रहा है। आज राहु काल 4:31 से 5:51 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा और लकी नंबर 2 होगा। अमृत काल दीपुष्कर योग रात्रि का समय और अभिजीत मुहूर्त 12:11, विजय मुहूर्त 2:18 और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 आपके लिए विशेषकर लाभकारी होगा। तो आज आपके जीवन में तरक्की का योग है, खुशहाली खुशखबरी का योग है, सौभाग्य भाग्य में वृद्धि होगी, हर समस्या का समाधान मिलेगा, अच्छे काम से जीवन में नाम भी होगा, लोकप्रियता भी बढ़ेगी, जीवन का आनंद भी उठाएंगे, तरक्की का रास्ता भी खुलेगा
और आज आपकी जीवन की स्थिति भी मजबूत होगी। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान। 22 जनवरी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। आप भी दीपावली मनाएं, उत्सव मनाएं, मंगल गीत गाएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।